नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज जो है हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं इस स्पेक्ट्रम की किताब के, और आज 37वां दिन है और 37वां चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे। पहले देख लीजिए 37वें चैप्टर का नाम क्या है, प्रथम आम चुनाव प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ। देखिए, चुनाव कोई आम बात नहीं है और चुनाव कराना देश में कितनी बड़ी चुनौती है, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, ये आप और हम सभी समझते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना बता दूं कि अभी तक 80% बुक जो है हो चुका है, और अभी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, ये तो खैर छोटा चैप्टर है, इसके बाद जो चैप्टर है ये 38 नंबर चैप्टर, भारत के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, माफ़ कीजिएगा, नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, 27 पेज का है, 27 पेज का। खैर, इसके बाद जो 39वां चैप्टर है जिसका नाम है, ये नेहरू के साथ का भारत है, नेहरू के समय का भारत है, और एक है नेहरू के बाद का भारत। ये इतना जो आप देख रहे हैं लगभग 10% बुक, ये पूरा जो है दो ही चैप्टर में सिमटा हुआ है। नेहरू का बाद का भारत देखिए 130 पेज में है, तो ये है एक सत्ता केवल 27 पेज में, नेहरू के नेतृत्व में भारत, और नेहरू के बाद का भारत यानी नेहरू के बाद, नेहरू के कार्यकाल के बाद भारत की स्थिति जो हुई और भारत में क्या क्या चीज़ें हुई उस समय से लेके अभी तक, दो चार दस पेज और बढ़ जाए, 130 पेज कम से कम है। ये 39वां चैप्टर है और लगभग ये अंतिम चैप्टर है। तो ये जो दो चैप्टर हम लोग भाग वाइज करके, पार्ट वाइज करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा, देखिए आप बस एक बार देख लीजिएगा मेरी वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आम चुनाव भी इतने आसानी से हम लोग समझेंगे कि आपको फिर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, पिछले वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा मैं भूमिका यहाँ से दे देता हूँ। ये नोटबुक है और नोटबुक में मैं एक बार नोटबुक पर भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इस नोटबुक में ये देख सकते हैं पूरा का पूरा विषय सूची है, कौन से पेज में क्या है, ये पूरा विषय, ये सब विषय सूची है, नोट्स नहीं है, विषय सूची है। इतना सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये 36वां जो नंबर था मैं यहाँ आपके सामने अभी लिखने वाला हूँ, 37 नंबर चैप्टर। क्या है तो भारत में आम चुनाव, 37वां नंबर जो चैप्टर है वह क्या है, प्रथम आम चुनाव है ना। क्या पढ़ना है हमें इसमें, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, है ना। अब ये कितने पेज में हैं तो हम इधर चलते हैं, मैं इधर देख लेता हूँ नोटबुक में कितने पेज में हैं। ये सब मैंने वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था, अगर आपके पास समय ना रहे, कहीं आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आप फ़ोन आपके पास रहता है तो आप पढ़ सकते हैं। ये केवल 2 पेज में है, 281 और 282। तो मैं यहाँ पर विषय सूची में लिख देता हूँ, पेज नंबर 281 से 282। देखिए, इसके पहले 278 से 280 में, 2-3 पेज में नोट्स ख़त्म होते हैं, बस आपको समझना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ा सा बुक से मैं थोड़ा सा बस भूमिका बता आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आप हम चलेंगे सीधे नोट्स पर। देखिए, इस चैप्टर का नाम है प्रथम आम चुनाव प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ। तो जब पहली बार आम चुनाव हुआ तो हमेशा ये प्रश्न आता है, हर बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुआ था, तो 1951-52। अब ये दो साल क्यों दिया हुआ है, 2 साल देने का मतलब क्या है, तो ये 1951 अक्टूबर में शुरू हुआ था, और इतना लंबा प्रोसीजर था, इतने सारे निर्वाचन केंद्र बनाए गए थे, वोटिंग सेंटर, इतना बड़ा स्तर का चुनाव हुआ था कि 6 महीने चुनाव कराने में लग गए थे, यानी अक्टूबर से लेके और 1951 के अक्टूबर से लेके 1952 के फरवरी तक चुनाव हुआ था। तो 1951-52 में चुनाव हुआ था,
तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे नोटबुक पे और जानते हैं हम पहले एक बार मैं आपको बस थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक हिंट्स देना चाहूँगा कि ये जो बोल्डेड पॉइंट है, जैसे देखिए पॉइंट नंबर वन मैं बुक में ही आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखिएगा। पॉइंट नंबर वन ये सब आप समरी में पहले ही एक पेज पे लिख लीजिएगा लाइन से। क्या लिखिएगा? तो एक लाइन में पहला लिखिएगा नंबर वन, देखिए भारत प्रथम भारतीय आम चुनाव 1951। दूसरा टॉपिक है चुनावों में भाग लेने वाले राजनीतिक दल। तीसरा टॉपिक है निर्वाचन क्षेत्र। चौथा टॉपिक है राजनीतिक परिदृश्य। पांचवा टॉपिक है प्रत्येक उम्मीदवार हेतु पृथक मतदान पेटी। छठा है चुनाव व्यवस्था एवं तैयारी। और सातवां है चुनाव का परिणाम। तो ये सात टॉपिक आपको पढ़ने हैं और ये सात अगर आप लाइन से एक जगह लिखे रहिएगा तो छूटेगा नहीं टॉपिक। आपके घर में लड़की या लड़के का शादी होता होगा तो शुरुआत कहाँ से होती है? बातचीत से होती है। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है तो लेन देन की बात हो जाती है। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती है तो डेट फिक्स होता है, तारीख फिक्स होती है। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती है तो तिलक होता है। उसके बाद मतलब जैसे जैसे जिनके जिस धर्म में जैसे होता हो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। उसी प्रकार भारत में आम चुनाव कराने के लिए क्या था कि पूरा माहौल तैयार किया गया था, पूरी तैयारी की गई थी। 6 महीने तक चुनाव चला था और 6 महीने पहले से तैयारी हो रही थी कि चुनाव कराया कैसे जाए। तो चलिए देखते हैं क्या चुनौती थी, कैसे कैसे क्या हुआ और देखिएगा आप सोचिएगा कि अरे इतना आसानी से हम लोग कैसे इसको पढ़ लिया। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको सीधे अपने नोटबुक पर। क्योंकि प्रश्न आते हैं भारत में प्रथम आम चुनाव के समय उसके माहौल व्यवस्था चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए, तो आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। आशा करता हूं आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो चैप्टर अध्याय 34 प्रथम आम चुनाव प्रवृत्तियां तथा चुनौतियां। देखिए मैंने टॉपिक वन में लिखा है प्रथम भारतीय आम चुनाव 1951। टॉपिक नंबर वन दे देता हूं मैं, ये टॉपिक नंबर वन है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो आम चुनाव कराने के लिए 1950 में ही 51-52 में चुनाव हुआ था, 51 अक्टूबर में 50 से ही तैयारी चल रही थी। उस समय एक अधिनियम पारित हुआ था जिसके अंतर्गत चुनाव होना था, जिसमें नियमावली थी जिसका नाम था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो 1950 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद उसके अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें हुई ये देखिए। भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ। भारतीय चुनाव आयोग का गठन क्या है? भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। उस समय सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये प्रश्न आता है कि निर्वाचन आयोग के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो थे सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए। 21 वर्ष पूरे किए हुए नागरिकों का पंजीकरण हुआ। अब भाई वोटर आईडी तो बनेगा ना, वोटर आईडी बनेगा या वोटर रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें आईडी नहीं, वैसी डिजिटल आईडी नहीं बनती थी, रजिस्ट्रेशन होता था, पढ़ने पर उनका नाम रहता था, जो जाते थे उनका नाम ढूंढ के सीरियल नंबर से उन्हें वोटिंग करवाया जाता था। तो 21 वर्ष उस समय था, बाद में जाके ये 18 वर्ष हुआ था। तो 21 वर्ष पूरे किए हुए नागरिकों का क्या हुआ था, पंजीकरण किया गया। और पूरा जो भारत था, भारत में टोटल 489 लोकसभा सीट और 3283 प्रांतीय विधानसभा का गठन हुआ ताकि बांट के चुनाव हो सके। तो पूरे देश को कितने लोकसभा सीट में बांटा गया, 489 सीट और 3283 प्रांतीय विधानसभा। ये टॉपिक आपको याद रहेगा। अब मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं अंदर घुसूंगा। अगर आपको इसमें ध्यान में रखना है तो अभी कितना लोकसभा सीट है ये आप ध्यान में रखिए, प्रांतीय विधानसभा। तो विधानसभा सीटें टोटल कितनी है भारत में ये भी आप याद रखिए, है ना। इसका जिक्र आप कर सकते हैं इसमें।
तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी लोकसभा सीटें कितनी हैं, और अपने नोटबुक में भी इसको दर्ज करना है। मैं जानबूझ के इसको मैंने छोड़ा है ताकि आपको हिंट्स मिल सके, आप ढूंढ सकें, आप पढ़ सकें, आप इंटरेस्ट दिखा सकें, अपने नोटबुक में लिख सकें। चलिए, बस ये 5 टॉपिक हो गए इसमें, ठीक है। बहुत सारी चुनौतियाँ थी। देखिए, सबसे पहले तो भारत में क्या था कि जब आम चुनाव होना था तो लगभग पूरे भारत की जनसंख्या में 85%, जी हाँ 85%, यानी लगभग पूरा का पूरा लगभग आ गया, कुछ ही लोग शिक्षित थे, बाकी लोग अशिक्षित थे। और इतनी बड़ी जनसंख्या, अशिक्षित जनसंख्या जहाँ हो, वहाँ चुनाव आयोग के सामने कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है उन्हें शिक्षित करना, उन्हें बताना कि चुनाव में मतदान कैसे करना है। तो ये सब था। उसके बाद चुनाव करवाने का कोई अनुभव नहीं था, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, किसी प्रकार का किसी को कोई अनुभव नहीं था, है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी भारत देश के लिए। तो इसलिए सबसे पहले कुछ व्यवस्था इस तरह की करनी पड़ी। अब देखिए, चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के बारे में जान लीजिए। अरे भाई, लड़ने वाले तो एक तो हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस थी, कांग्रेस को बहुमत भी प्राप्त हुआ था, तो कांग्रेस थी ही थी, है ना। फिर भी उसके अलावा देखिए, प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ, लगभग 4 महीने तक। टोटल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। इसमें क्या थे, कितने राष्ट्रीय दल थे, 14 राष्ट्रीय दल थे। इसमें टोटल कितने राष्ट्रीय दल थे, देखिए पूरा पृष्ठभूमि मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे व्यवस्था किया गया, क्या चुनौतियाँ आई, राजनीतिक परिदृश्य क्या था, निर्वाचन क्षेत्र कैसा था, रिजल्ट क्या आया, हम सब इसी में 2 पेज में पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, और आप लोग बुक भी एक बार लेके पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें से कुछ पार्टी के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसमें देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा B.R. अम्बेडकर ने क्या किया, अलग राजनीतिक दल। उनका मानना था, उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की जो सर्वोच्चता थी उसको चुनौती दी। उनका मानना था कि कांग्रेस सर्वोच्च नहीं है, हम जो बनाएंगे वो भी सर्वोच्च हो सकता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और B.R. अम्बेडकर ये छटक गए, बाहर आ गए, और इन्होंने खुद के अपने राजनीतिक दल का गठन किया, कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और इन दोनों के दल क्या थे, तो मैंने क्रमशः करके लिखा है। देखिए, जनसंघ, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ था, और B.R. अम्बेडकर का ऑलमोस्ट आप जानते होंगे अनुसूचित जाति फेडरेशन। बाद में यह जो है रिपब्लिकन पार्टी बन गया। ये किसका पार्टी था, B.R. अम्बेडकर का। उसके अलावा कुछ और पार्टियाँ थी, थोड़ा कैमरा इधर कर लेता हूँ। उसके अलावा कुछ और पार्टी थी, देखिए अन्य दल में थे किसान मजदूर प्रजा परिषद, ये कृपलानी का था, J.P. कृपलानी, आचार्य कृपलानी बोलते थे उनको। सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया का था, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट पार्टी 2 नंबर पे थी कांग्रेस के बाद बहुमत में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण का था। तो ये सारी कुछ आदि पार्टियाँ थी उस समय। 53 का नाम नहीं लिखना है, ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हमने पढ़ा आम चुनाव में सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन सी पार्टियां थीं। अब आते हैं निर्वाचन क्षेत्र। तो देखिए, 401 निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा सीट कितनी थी, 489। तो यहाँ पे टोटल जो है निर्वाचन अगर क्षेत्र की बात करें तो 401 निर्वाचन क्षेत्र था, टोटल 401 निर्वाचन क्षेत्र था। और लोकसभा ने क्षेत्रों में बांटा गया था, क्योंकि नहीं बांटेंगे तो जिम्मेदारियां कैसे दी जाएंगी, कैसे चुनाव होगा, एक साथ तो पूरा हो नहीं जाएगा। लोकसभा सीट 489 थी। इसमें क्या था, 26 भारतीय राज्यों द्वारा उस समय प्रतिनिधित्व तो किया गया। तो प्रश्न आएगा कि आम चुनाव में, सबसे प्रथम आम चुनाव में जो है कितने राज्यों द्वारा प्रतिनिधित्व तो किया गया, तो 26 भारतीय राज्यों द्वारा। उस समय कुछ राज्यों ने हिस्सा नहीं भी लिया था, बहिष्कार भी किया था, जैसे नागालैंड है वो हो गया। राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक व्यवस्था उस समय कैसी थी, माहौल कैसा था, जरा उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इसने आज़ादी की लड़ाई में सशक्त होके भाग लिया था, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे, तो ये पार्टी भी उस समय बहुत बड़ी थी।
विपक्षी दलों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया। अब भाई लड़ने वाला कोई हो तब ना, चुनाव किस लिए क्या आता है कि एक तरफ आप इसको वोट दें या इसको वोट दें। अगर एक ही आदमी वोट देना रहेगा तो चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं। अगर एक ही आदमी को चुनना हमें रहे तो चुनाव कराने कोई विपक्ष में होना भी चाहिए भाई। तो इसीलिए जानबूझ के ये लोगों को खड़ा करवाया गया, कुछ पार्टियों को सहूलियत दी गई और ऐसा माहौल तैयार किया गया कि विपक्ष में भी कोई सामने से लड़ने वाला रहे। नागालैंड में एक नेशनल नागा काउंसिल पार्टी थी, उसने क्या किया, संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार किया। इसने ना ही चुनाव का प्रचार किया, ना ही चुनाव होने दिया और ना ही चुनाव में किसी को वोट देने दिया। तो ये याद रखिएगा, एकमात्र था नागालैंड जिसने, यहाँ का एक नेशनल नागा काउंसिल पार्टी थी, महत्वपूर्ण पार्टी थी वहाँ की, उसने चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार किया था। तो हमने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया, प्रकाश हमने डाला, पढ़ा। आप लोग बुक से भी ध्यान से थोड़ा एक बार रीड कीजिएगा, तब मेरे नोट्स को पढ़िएगा, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, अब देखिए आगे क्या हुआ। अगला टॉपिक है हमारा, प्रत्येक उम्मीदवार हेतु पृथक मतदान पेटी। अब पृथक मतदान पेटी क्यों थी, तो ये सबसे बड़ा इसका कारण था कि बहुत सारे जो नागरिक थे वो अशिक्षित थे, शिक्षित नहीं थे, तो वोट उन्हें गिराना है तो वो लोग क्या कहते थे कि एक ही में क्यों गिराएंगे भाई, अलग अलग गिराएंगे, आवाज़ उठाते थे या उनको पता भी नहीं चलता था। तो उनकी सहूलियत के लिए ऐसा किया गया, अलग अलग मतदान पेटी किया गया। प्रत्येक उम्मीदवार हेतु पृथक मतदान पेटी अलग अलग रंग की तैयार की गई है ना, और साक्षरता दर 16% ही रहने के कारण ऐसा किया गया। सभी पेटियों पर उम्मीदवार का नाम था और उनका चुनाव चिन्ह अंकित था। ये एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ का। अब चुनाव व्यवस्था और तैयारी कैसे की गई, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। चुनाव व्यवस्था क्या क्या चीज़ें की गई, तो देखिए बहुत ही लेंदी, बहुत ही थकाऊ, बहुत ही कहते हैं आप लंबा खींचने वाला ये प्रोसेस था। 6 महीने से ऊपर लग गए थे इसमें है ना, और बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ी। क्या क्या व्यवस्था की गई, कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया गया और कैसे लोगों को प्रेरित किया गया चुनाव में भाग लेने के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, आप सभी जानते हैं। अगर आपको लिखने के लिए बोले अभी आप एक पैराग्राफ लिख दीजिएगा कि क्यों चुनौतीपूर्ण था। लोग अशिक्षित थे, पहली बार चुनाव हो रहा था, जनसंख्या अधिक थी, तुरंत देश आज़ाद हुआ था तो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, आम चुनाव कराना भी ज़रूरी था। जवाहरलाल नेहरू तो सुकुमार सेन को कहे थे कि 20 दिन में चुनाव करवा दीजिए, लेकिन सुकुमार सेन ने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, फिर भारत पाकिस्तान वाला बात हो जाएगा, तैयारी करनी है हमें, कुछ तैयारी करनी होगी। क्या तैयारी हुई, देखिए सबसे पहले 224,000 मतदान केंद्र बनाए गए, 224,000 मतदान केंद्र, समझ सकते हैं कितना व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की गई होगी, कितना चीज़ किया गया होगा उसके लिए। उसके लिए फिर स्टाफ की तैनाती हुई होगी। 2 मिलियन बैलेट बॉक्स जिसमें है ना गिराते हैं, क्योंकि हर उम्मीदवार के अलग अलग बॉक्स था, तो 2 मिलियन जो है बैलेट बॉक्स, जो है बैलेट बॉक्स बनाने में जो है 8200 टन का लगभग स्टील लगा था, 8200 टन का स्टील लग गया था। 2 मिलियन, 2 मिलियन मतलब कितना होता है, 20 लाख बैलेट बॉक्स बना था। उसके बाद कुछ चीज़ें, अब भाई मतदान जो करेंगे नागरिक उनको भी तो जागरूक करना है, आज भी सरकार करती है, टीवी के माध्यम से करती है, रेडियो के माध्यम से करती है, उस समय हुआ, उस समय थोड़ा ज़्यादा स्तर पे हुआ, अभी तो लोग खुद समझ जाते हैं। मतदाताओं को अवगत कराने हेतु या उनके सुविधा के लिए, उनको बताने के लिए, सूचना पहुँचाने के लिए चुनाव प्रक्रिया के बारे में निर्वाचक नामावली तथा सभी प्रकार की सूचना देने हेतु ऑल इंडिया रेडियो पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। टीवी उतना पॉपुलर था नहीं उस समय, सब घर में टीवी था नहीं है ना, सब घर में क्या, मैक्सिमम घर में टीवी नहीं था, रेडियो सबके पास कोई रहता था, तो रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया, कैसे भारत में आपको चुनाव में कैसे मतदान करना है। 3000 सिनेमाघरों में विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। मतदान पत्र की छपाई कहाँ हुई, आज जहाँ नोट छपता है नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रेस में, जो मतदान पत्र था बैलेट पेपर उसकी छपाई जो है कहाँ हुई, नासिक में सिक्योरिटी प्रेस में। उसके बाद
यहाँ देखिए फर्जी मतदान आज भी होता है, तो इससे बचने के लिए उसी समय जो है विशेष स्याही तैयार करवाई गई, विशेष स्याही बनवाया गया। इस स्याही का 7 दिन का वैलिडिटी रहता था, मतलब एक बार लग गया हाथ पर तो 7 दिन तक ये मिटता नहीं था। 27,527 टोटल मतदान कितने थे, केंद्र कितने थे, 224,000। 224,000 में 27,527 मतदान केंद्र केवल महिलाओं के लिए आरक्षित था, ताकि महिलाएं आएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। हालांकि कई मतलब बहुसंख्यक महिलाओं ने जो है मतदान नहीं किया था, क्योंकि उस समय तो घर से निकलना ही मुश्किल था। अब आते हैं चुनाव का परिणाम। भैया ये व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्था हो गई है ना, तो इन सारी व्यवस्था के बावजूद, ऐसा राजनीतिक परिदृश्य होने के बावजूद है ना, सब कुछ करने के बावजूद फिर से जो है अब चुनाव का परिणाम आया, मतलब उसके बाद चुनाव का परिणाम आया, उसके फलस्वरूप INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका मैंने शॉर्ट में लिखा है, ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 364 लोकसभा सीटें जीत ली, 364 लोकसभा सीटें उन्होंने, लोकसभा सीटों पर जो है उन्होंने जीत दर्ज की है ना। टोटल कितना था लोकसभा सीट, 489, उसमें 364 तो वह कांग्रेस ने ले लिया। 45.7% मतदान हुआ, मतलब आधे लोग ही, आधे से भी कम लोगों ने मतदान किया। जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए कैसे, लोग प्रधानमंत्री तो मंत्रियों में प्रधान तो पहले ही थे माउंटबेटन के समय से, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से यानी चुने गए रूप से जो है, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए पहले प्रधानमंत्री जो है कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस ने 2248 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रांतीय में जो है 3000 कुछ था, उसमें क्या किया, 2248 सीटों पर दर्ज किया, यानी दोनों जगह बहुमत था उनका। कांग्रेस 4 राज्यों में बिल्कुल बहुमत नहीं मिला, वो कौन कौन से 4 महान राज्य थे, मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा, यहाँ बहुमत नहीं मिला। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है बड़े बड़े एग्जाम में कि इनमें से कौन सा था जहाँ मिला, या इनमें से कौन है जहाँ नहीं मिला, तो सबका नाम देगा उसमें आपको 1, 2, 3 या 4 या इनमें सभी ऐसे चुनना होता है। तो कांग्रेस 4 राज्य याद रखिएगा, मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा, यहाँ बहुमत नहीं मिला। 40% महिलाओं ने मतदान किया और ये विश्व में उस समय का सबसे अधिक मतदान था, भारत की जनसंख्या को अगर ध्यान में रखा जाए तो लगभग आधे महिलाओं ने तो मतदान किया, ये बहुत अच्छी बात थी। B.R. अंबेडकर जो थे बॉम्बे से हार गए, पहले बॉम्बे से, बाद में वेस्ट बंगाल से वो खड़े हुए, लेकिन पहले वो उस समय बॉम्बे से जो है प्रथम आम चुनाव में हार गए थे। दूसरे क्रम में पर जो है सोशलिस्ट पार्टी, जिसके पास 10.59% सीट पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। तो ये चुनाव का परिणाम था। अब देखिए बुक की बात करें, चुनाव परिणाम के बाद ये चुनाव का परिणाम भी दिया गया है ना, ये चुनाव का परिणाम भी दिया गया है। तो और उसके बाद इसने किसने किसको हराया, 1-2 लोगों का नाम दिया हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं इसलिए मैंने इसको नहीं नोट किया है, लेकिन आप इसे पढ़िएगा जरूर एक बार। और ये पूरा का नहीं याद है, बस पहला, दूसरा, तीसरा का याद रखिए, 1, 2, 3, बाकी सब फ्री है ना। 1, 2, 3, 1 नंबर कौन था, 2 नंबर में कौन था, 3 नंबर में कौन था, याद रखिए। अब हमारी असली लड़ाई अब शुरू होगी जब हम लोग अगला चैप्टर लेके आएंगे, नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। अब आपको यहाँ से मज़ा आने वाला है, और इससे भी ज़्यादा मज़ा आपको नेहरू के बाद के भारत में आएगा। तो तैयार हो जाइए है ना, और जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा, प्रयास करता हूँ, थोड़ा जॉब की वजह से बिजी रहता हूँ, थोड़ी सी अपनी भी टेंशन है, तो ये सब चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। और कोशिश करूँगा और भी कुछ अलग तरीके के भी वीडियो आपके लिए लाते रहूँ, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतना सारा हो गया है, कुछ लोग अगर कुछ पढ़ लेंगे लोग बच्चे तो उनका भला हो जाएगा, मेरा पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन उनका हो जाएगा। वो एक नोट्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आधुनिक भारत का इतिहास जो है बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और चैलेंज भी है, चुनौती भी है लोगों के लिए, तो इसे पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग लक्ष्मीकांत की बुक मैंने रखी है आपके लिए, उससे भी हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे, पहले इसको ख़त्म कर ले जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करके हम लोग फिर जो है लक्ष्मीकांत की पुस्तक पर ध्यान देंगे। वो भी पुस्तक मेरे पास है अभी, कहीं रखा है मैंने, वो भी पुस्तक मेरे पास है, और उससे भी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, तो ये रही, ये पढ़ लेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये, इस किताब से आप लोग परिचित होंगे, ये देखिए
एम लक्ष्मीकांत की बुक है, भारत की राजव्यवस्था पूरा संविधान का है, इसको भी हम लोग इस पर भी नोट तैयार करेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो उस पर भी जरूर हम लोग गौर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इसको पढ़िएगा, दो तीन पेज का ही, और तोड़ के पढ़िए। दुश्मन को कमज़ोर करना है तो उसको तोड़ना है, ऐसे आप पढ़िएगा, पैराग्राफ वाइज नोट्स बनाइएगा तो बहुत ही आराम से नोट्स बनेंगे, मैंने यही किया है पूरे बुक में। अब देखिए आगे, ये जो है अध्याय 38 नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत भाग 1, ये भाग 1-27 पेज का है, तो हो सकता है 1-3 में मैं इसे समाप्त करूँ या 1-2 में ही समाप्त कर दूँ, तो इसके और इसी को लेकर चलेंगे। मेरी कॉपी भी ख़त्म हो रही है तो मैं एक नया कॉपी भी लेके आऊँगा ताकि आपका आराम से हो सके। मेरी राइटिंग थोड़ा बड़ी है तो मैं ज़्यादा लेता हूँ पेज, 282 पेज का तो नोट्स हमने बना दिया, और 1000 पेज की 1000 पेज की बुक ख़त्म होने वाली है, तो ये उपलब्धि होगी हमारे लिए अगर हम इसे समाप्त कर ले। तो आप लोग ऐसे ही अपना पढ़ाई करते रहिए, और लूसेंट का जो है पूरा ख़त्म हो चुका है, विविध मैंने छोड़ दिया था, विज्ञान प्रौद्योगिकी छोड़ दिया था, उससे अब करंट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो वो भी हो गया है, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।